हरिम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ निंजा SPV। आज आप देखने जा रहे हो एक नया कंसेप्ट, या फिर बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट में और एक नया एक एस्पेक्ट जिसे हम बोलते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल के हम दो प्रकार देखेंगे, यूज़र्स देखेंगे। प्रकार यानी कि यूज़र्स, यहाँ पे लिटरली मत लो। तो हम देखेंगे विच सिलेक्टर्स और विच स्टाइल्स। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। तो ये कोड है, मैंने पहले से बना के रखा है। तो यहाँ पे JS क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इसके बाद मल्टीपल H1 टैग्स का यूज़ करेंगे हम। और यहाँ पे IDs, जैसे आपको मैंने बोला था, कॉमन प्रैक्टिस है IDs बना के रखे। उसके बाद स्क्रिप्ट है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। वेयर वेरिएबल बनाएंगे, वेयर टाइप के, और यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल वेयर। और इसे जैसे क्वेरी सिलेक्टर किया था, उसी तरह से यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखना है। और स्ट्रिंग कोट्स, और यहाँ पे सिलेक्टर, जैसे मैंने आपको बोला विच सिलेक्टर, यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ विच सिलेक्टर। यहाँ पे H1, और डिटरमाइन करने के लिए मैं यहाँ पे P टैग्स भी बना देता हूँ। ABC, 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 ABC। तो ये होगा एक, बोल सकते हैं कि एक स्पेसर या फिर सेपरेटर, जिसे डिटरमाइन करने में आसानी होगी कि P टैग यहाँ पे है, H1 टैग यहाँ पे है। ओके, तो ये सिर्फ यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ मैं। तो ये सबसे सेंसेबल रहेगा, टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं ID नहीं दूंगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं दूंगा अभी के लिए। उसके बाद देखते हैं कि आगे इसका यूज़ कैसे होता है, क्वेरी सिलेक्टर का, विच सिलेक्टर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला क्वेरी सिलेक्टर ऑल, तो फॉर लूप का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले फॉर लूप बताया कि ऐसे होता है, इंट्रोड्यूस किया पहले आपको फॉर लूप के साथ। तो यहाँ पे मैं दूंगा एन इटरेटर, एन इटरेट, एक वेरिएबल का नाम दिया मैंने, उसको इनिशियलाइज 0 किया। एन इटरेट लेस देन क्वेरी सिलेक्टर ऑल, जो वेरिएबल बनाया है उसे लिया, उसकी लेंथ फाइंड की। तो ये जो इटरेशन है यानी कि साइकिल है, वो इसके लेंथ तक जाएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर याद ना हो तो। एन इटरेट प्लस प्लस, ये स्टेप इंक्रीमेंटर है, हर साइकिल पे इंक्रीमेंट होता है। और इसके बाद ये जो क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्ट ऑल वेयर है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे लेंगे, पर उसके इंडेक्स को हम, ये जो फॉर लूप का जो साइकिल है उसमें जो वेरिएबल है उसे हम पुट करेंगे, और यहाँ पे इसे स्टाइल देंगे। तो ये दोस्तों, ये स्टाइल लिखने की एक अनोखी, मतलब बोल सकते हैं कि स्क्रिप्ट में हम स्टाइल ऐसे लिखते हैं, बैकग्राउंड कलर। रेड। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आउटपुट देखेंगे। आउटपुट आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, कि एक ही साथ जो कॉमन सिलेक्टर्स हैं उन्हें हम स्टाइलिंग दे सकते हैं विद क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बदल दिया है। उसी तरह अगर आपको कंटेंट बदलने हो तो आप वो भी कर सकते हो, डॉट इनर HTML का यूज़ करके। यहाँ पे लिखूँगा मैं कॉमन सिलेक्टर्स,
ओके तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो भी कॉमन है उसके कंटेंट्स भी हमने एक कॉमन कंटेंट के साथ अपडेट कर दिए हैं। तो उसी तरह स्टाइलिंग क्लास जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूँ, ये बता देता हूँ आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आप नए हो इसमें तो आपको एक बार बता दूँ, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको ये पता ही होगा। सिर्फ आपको इतना जानना है कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसका यूज़ करके हम डायरेक्टली जो बेसिक उसी कन्वेंशनल स्टाइलिंग की स्क्रिप्टिंग में जो लिखते हैं हम स्टेटमेंट, वो यूज़ करना है आपको। सिर्फ जो है एक एरे क्वेरी सिलेक्टर ऑल, एक एरे कंसिडर कर सकते हो आप, अगर आपको अंडरस्टैंड ये करना है कंसेप्ट। और उसके बाद उसके अंदर इटरेशंस के लिए, उसके इंडेक्स फाइंड करने के लिए वेरिएबल डालना है। ओके तो चलिए दोस्तों, फिर से हम देखते हैं क्या है क्वेरी सिलेक्ट ऑल, वेयर इसमें जो है क्वेरी सिलेक्टर ऑल के जो हेडर टैग्स है वो एज एन, अभी यहाँ पे कंसिडर करेंगे एज एन एरे आपको समझने के लिए। तो एज एन एरे यहाँ पे आ रहे, एरे यानी कि ब्लॉक, आपको सिंबल भी बता दूँ इस तरह। तो इसके अंदर यहाँ पे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। तो H1 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 ऐसे स्टोर हो रहे हैं वेरिएबल में। उसके बाद ये जो एरे है, ये एरे को हम उसके वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करने के लिए फॉर लूप लगा रहे हैं। तो फर्स्ट साइकिल में एन इटरेट 0, तो मतलब यहाँ पे है, ये इंडेक्स पे है। तो ये इंडेक्स में जो लेंथ है कब तक जाएगा, 4 तक जाएगा, पर उसके पहले 1 पे आएगा, मतलब यानी कि ज़ीरो इंडेक्स। ज़ीरो इंडेक्स में यानी कि एन इटरेट ऑफ 0 यानी कि ये, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड रेड, यानी कि ये जो हेडर टैग है इसके सारे कंटेंट को बैकग्राउंड कलर रेड देना है। उसी तरह उसके इनर HTML यानी कि ये वाले कंटेंट को हमें अपडेट करना है कॉमन सिलेक्टर से। उसी तरह नेक्स्ट इटरेशन में, इटरेशन यानी कि क्या, नेक्स्ट साइकिल, अगले बार जब ये दोहराएगा फॉर लूप तब ये 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस प्लस दिया है। और उसी तरह इंडेक्स जो होगी इसकी 1 होगी, और उसके जो बैकग्राउंड कलर और इनर HTML जो होंगे यानी कि कंटेंट होंगे वो इससे बदल जाएंगे, रेड कलर से और कॉमन सिलेक्टर से। उसके बाद फिर से प्लस प्लस यानी कि फिर से इंक्रीमेंट, और यहाँ पे 2 होगा, 2 यानी कि यहाँ थर्ड वाले हेडर टैग में फिर से रेड कलर और कॉमन सिलेक्टर, और उसी तरह इंक्रीमेंट होकर 4 पर आएगा, 4 यानी कि H1 यानी कि इंडेक्स 3 हुआ, 0 1 2 3, पर लेंथ उसकी जो है वो 4 है। क्योंकि लेंथ, कभी भी आपको बता दूँ कि इंडेक्स, कमेंट में आपको लिख देता हूँ डिफरेंस, इंडेक्स जो है 0 1 2 3 होगा, और इसकी जो लेंथ है वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती, 1 2 3 4, तो ऐसे होती है। तो 0 यानी कि H1, तो यहाँ पे H1, 1 यानी कि H1 का सेकंड, बाद में 2 यानी कि H1 थर्ड, और बाद में 3 यानी कि H1 4। तो इस तरह होता है, और ऐसे फॉर लूप का जो साइकिल है या फिर इटरेशंस बोल सकते हो, वो पूरे कंप्लीट हो जाता है। अब ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अभी इसके बाद अभी आपको स्टाइल के साथ बताता हूँ, विच सिलेक्टर हुआ, अब विच स्टाइल, इसी चीज़ को मैं यूज़ करूँगा, पर इसके पहले इसे कमेंट आउट कर दूंगा विथ स्टाइल। अब यहां पे मैं स्टाइल दूंगा, क्लास रेड, और इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर वो होगा रेड। और यहाँ पे मैं रेड कलर दूंगा
पर मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है क्लास, तो उसे भी डिफाइन कर लेते हैं, क्लास रेड। और इसी चीज़ को फिर से हम अपडेट कर देते हैं, और अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो ये मैं निकाल देता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आउटपुट जो है रेड ही है। अभी यहाँ पे मैं अपडेट करूँगा वैल्यू विद येल्लो, तो येल्लो हुआ, और यहाँ पे ग्रीन, तो ग्रीन हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे स्टाइल्स है, स्टाइल जैसे आपको मैंने सीएसएस में पढ़ाया था या फिर बताया था कि ऐसे है, क्लास में हम डिफाइन करते हैं, और उसी चीज़ को मैंने सिर्फ यहाँ पे H1 टैग में लगाया। H1 टैग के लगाने के बाद मैंने यहाँ पे क्लास रेड, ये जो क्लास का नाम है वो क्वेरी सेलेक्टर ऑल में डाला, और मैंने जो पहले के कंटेंट्स थे जो स्क्रिप्ट से जा रहे थे उसके निकाल के प्योर CSS से मैंने कॉल किया जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और इसी चीज़ का यूटिलाइजेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर समझो मैंने इससे फुल कमेंट आउट कर दिया या फिर निकाल दिया, तो इसका आउटपुट भी आप देख सकते हो। अगर आपने CSS का यूज़ किया तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपने अगर स्क्रिप्ट का यूज़ किया तो इसकी ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी है। अगर आपको कॉमन एनालिटीज़ में अगर कुछ डेवलप करना है तो, बिल्ड करना है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे के वीडियोज़ भी देखेंगे और कुछ नया करते रहेंगे। हरिओम दोस्तों।